केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की बड़ी साजिश नाकाम। महाशिवरात्रि पर हमले की थी तैयारी, एक गिरफ्तार। महाशिवरात्रि के मौके पर जुलूस में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर हमले की तैयारी थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की हत्या की बड़ी साजिश को हजारीपुर पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने एक वीडियो वायरल होने के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की बड़ी साजिश को हाजीपुर पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने हमले की साजिश रस्ते एक वीडियो वायरल होने के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार महाशिवरात्रि के मौके पर हाजीपुर में स्थित बाबा पतालेश्वर नाथ मंदिर से निकलने वाले जुलूस में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर हमले की तैयारी थी। बता दें कि हाजीपुर के बाबा पतालेश्वर नाथ मंदिर से निकलने वाले शिव बारात में प्रत्येक वर्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खुद शामिल होते हैं। बाबा भोलेनाथ को बैलगाड़ी पर सवार कर नित्यानंद गाड़ीवान बनते हैं। एक जुलूस में लाखों की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं के बीच करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। इस बार शिव बारात में नित्यानंद राय के शामिल होने का कार्यक्रम तय था। इसमें बदमाश ने उन पर हमले की तैयारी की थी। वायरल वीडियो में गिरफ्तार युवक जुलूस के दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद को गोली मारकर हत्या कर देने की बात कहता दिख रहा था। इस वायरल वीडियो में कुछ युवक आपस में बैठकर बात करते दिख रहे हैं। तभी एक युवक नित्यानंद की सुपारी लेने की बात कहता है। वह कहता है कि 3 साल से शिवरात्रि से पहले हमको सपना आता है कि हम नित्यानंद राय को मार दिए हैं। वह बैल पर जा रहा है और हम गोली दाग दिए। वैशाली पुलिस ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पुलिस को व्हाट्सएप पर एक वीडियो प्राप्त हुआ था। इसमें एक युवक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को संबोधित करते हुए अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था और उन पर हमले की बात कर रहा था। आरोपित का नाम माधव कुमार झा, पिता अविनाश कुमार झा, थाना गुरैल वैशाली है। सूचना मिलते ही वैशाली पुलिस अधीक्षक के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को हिरासत में लिया गया है।